आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयकर विभाग की ए टीम के कप्तान मजहर अकरम और अजीत की 46 रन की सदी हुई साझेदारी पर रवि चतुर्वेदी के 70 रन भारी पड़ गए। टाई हुए इस मैच में आपको बता दें सुपर ओवर का सहारा लेना पड़ा। कांटे के इस मुकाबले में बी टीम को सुपर ओवर में आखिरी बॉल पर जीत मिल सकी। मैच की विशिष्ट अतिथि स्वतंत्रता सेनानी श्रीमती सरोज रानी गौरीहार और मुख्य अतिथि आईपीएल खिलाड़ी के उपाध्याय भी मौजूद रहे। हल्का ले रहे थे तो वो गलत था, तो लेकिन मंडल जी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और शुक्ला जी ने दोबारा गेंद को फेंका है, बहुत ही अच्छा प्रयास शुक्ला जी के द्वारा। एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में ये मैच आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आयकर विभाग की ए और बी टीम के बीच T20 का खेला गया। ये ऐसा मैच हुआ जिसे आयकर विभाग के खिलाड़ी और जिसने भी देखा वो सालों तक नहीं भुला पाएगा। बी टीम के खिलाड़ी रवि पचौरी की शानदार 70 रन की पारी ए टीम पर भारी पड़ी। ए टीम के कप्तान मजहर अकरम और अजीत के 61 रन तीसरे विकेट की 46 रन की साझेदारी भी मैच जिता न सके। मैच का रोमांच स्टेडियम में चरम पर था। मैच टाई हो गया। मैच का परिणाम आखिर में सुपर ओवर से निकाला गया। इस सुपर ओवर में भी मैच रोमांचक हुआ। सुपर ओवर से निकला परिणाम बी टीम के खाते में गया। इस दौरान पुणे वॉरियर्स से आईपीएल खेल चुके के उपाध्याय की मौजूदगी ने खिलाड़ियों का जोश चरम पर पहुंचा दिया। आज का बहुत अच्छा मैच हुआ, दोनों टीमें सुपर ओवर तक गया। बहुत कम ही मैचेस हैं जो सुपर ओवर तक जाते हैं, इससे खेल भावना पता चलता है कि साथ दोनों टीमों ने पूरी अपनी ताकत लगाई और वो मैच को टाई कराया, टाई हुआ। ये बहुत अच्छा एक मौका था जहां पर आजादी का अमृत महोत्सव हमने मनाया। पूरे आयकर विभाग के सभी कर्मचारी और अधिकारियों ने बहुत अच्छा योगदान दिया और इस को एक मेमोरेबल मोमेंट बनाया। हम लोग ने ऐसा ट्राई किया, क्या कहते हैं कि जो हमारे मेन बॉलर्स थे उनको हम पहले लेके आए, फिर उनको हमने लास्ट के लिए नहीं बचाया क्योंकि जो उनकी टीम खेल रही थी उसके मेन बैट्समैन उसमें बैटिंग कर रहे थे। शायद याद रहेगा, काफ़ी टाइम तक याद रहेगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि जहाँ मेहनत करते थे, पसीना बहाते थे, साइड में रेलिंग पे एक्सरसाइज करते थे, आज उसी को देख रहा हूँ। हालांकि बहुत टाइम बाद आया हूँ, तो फीलिंग तो जो आपने क्वेश्चन किया उससे पहले बहुत अच्छी, बैठे बैठे यही सोच रहा था मैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। जो दिन गुजर गए हैं हालांकि वापस तो नहीं आएंगे, पर मज़ा आता है कि वो उसका मज़ा अलग था और आज इस चेयर पर बैठने का मज़ा अलग है, तो हर चीज़ का अलग अलग मज़ा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बी टीम ने रवि पचौरी के 70 रन की शानदार धमाकेदार पारी, कप्तान मजहर अकरम के सदे हुए 20 रन और अजीत के 61 रन की पारी पर भारी पड़ गया। दूसरे छोर पर भारी भरकम शरीर वाले उदयपाल ने शानदार गेंदबाजी की 4 विकेट चटका दिए। बी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 139 रन बनाए, जिसके जवाब में ए टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। सलामी बल्लेबाज हर्षवर्धन के 1 रन पर आउट होने के बाद टीम दबाव में आ गई। इस समय टीम का स्कोर महज 4 रन था। इसी समय सलामी बल्लेबाज दिलीप गुप्ता भी क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन वापस लौट गए, लेकिन उसके बाद ज्वाइंट कमिश्नर ए टीम के कप्तान मजहर अकरम ने अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए अजीत के साथ मिलकर पारी को 52 रन तक पहुंचा दिया। दोनों के बीच 46 रन की सदी हुई साझेदारी हुई, लेकिन ये पारी भी मैच न जिता सकी। मैच के दौरान विशिष्ट अतिथि स्वतंत्रता सेनानी श्रीमती सरोज रानी गौरीहार और ज्वाइंट कमिश्नर सीता श्रीवास्तव भी मौजूद रही। दोनों ने टीमों को बधाई दी। बहुत अच्छा फील हो रहा है, बरसों बाद स्टेडियम में आई हूँ और क्रिकेट मैच तो उस पर टीवी पर देखते रहते हैं। सामने देख करने का जो आनंद है उसका अपना अलग ही मज़ा है। एक एक के ऊपर कमेंट्री जो आ रही है, इतनी बढ़िया कमेंट्री आ रही है, बस कमेंट्री सुन सुन कर ही मज़ा ले रहे हैं यहाँ बैठ कर, बहुत अच्छा लग रहा है। तब और आज में सबसे बड़ी अंतर तो ये है कि तब हम पराधीन थे, अब स्वाधीन हैं। आज जो कुछ भी हम कर रहे हैं अपने उस पर कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। उस समय जो कुछ भी होता था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट कराती थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए होता था, तो तब में और अब में बहुत ज़्यादा अंतर है। आज आके बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा कि पहले ही हम लोग को सबको पता है, हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। लगभग पिछले एक साल से ये कार्यक्रमों का एक श्रृंखला चल रही थी जिसमें खेल है, नृत्य है, नाटिकाएँ हैं, दौड़ हैं, और इसी का एक आयोजन है कि एक मैत्रीपूर्ण मैच यहाँ पर आयोजित किया गया है। यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है और इससे खिलाड़ी हमारे जो आयकर विभाग के अधिकारी हैं उनके अंदर एक आपसी सामंजस्य की भावना फैल आती है और सब मिलजुल कर काम करें। और एक जैसे हम लोगों का काम बहुत नीरसता का है, उसमें एक उत्साह का माहौल आता है, एक अंदर से एक खुशी मिलती है खेल खेलने के बाद, तो वो एक अच्छा सौहार्द का माहौल यहाँ बन रहा है और इसको देख के बहुत अच्छा लग रहा है।
मैच के दौरान काफी उतार चढ़ाव देखा गया। दोनों टीमों में से कोई भी कम नहीं दिख रहा था। मैच का परिणाम सुपर ओवर से निकल पाया, जिसमें बी टीम विजयी रही। मैच के दौरान ज्वाइंट कमिश्नर राधा रानी शर्मा भी मौजूद रहीं। दोनों टीमों के खिलाड़ियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। मैच का रोमांच मौसम के तापमान से कहीं ज्यादा दिखाई दे रहा था। ये मैच दोनों टीमों के खिलाड़ियों को वर्षों तक याद रहेगा। सुबरन सिंह ने मैच में निर्णायक की भूमिका निभाई, तो वहीं अजीत मिश्रा, अजय दुबे, जीपी शर्मा, आईटीओ मुकेश कुमार, संतोष पचौरी, संतोष केसरी भी मैदान पर मौजूद रहे। इसके साथ ही जीपी शर्मा, अजय दुबे, अजीत मिश्रा ने मैच का आंखों देखा हाल सुनाया। विनोद जूनियर, सी न्यूज, आगरा।